भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। रंगरा चौक प्रखंड प्रमुख का चुनाव आज, तैयारी पूरी। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 10 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। रंगरा चौक प्रखंड प्रमुख का चुनाव आज गुरुवार को नौगछिया अनुमंडल के सभागार में 11 बजे से आरंभ होगा। प्रमुख चुनाव को लेकर अनुमंडल प्रशासन व पुलिस प्रशासन स्तर से सभी तैयारी पूरी कर ली है। नौगछिया अनुमंडल के सभागार में चुनाव की सभी प्रक्रिया संपन्न होगी। सभागार में सभी पंचायत समिति सदस्य को निर्वाचन प्रमाण पत्र व पहचान पत्र देखकर प्रवेश मिलेगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रमुख चुनाव के ऑब्जर्वर डीडीसी भागलपुर सुनील कुमार है। निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि प्रमुख चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव को लेकर अनुमंडल सभागार से लेकर अनुमंडल परिसर में 5 स्थानों पर 10 दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर पर्याप्त पुलिस संख्या में पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल, लाठी बल व महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किया गया है। चुनाव के मद्देनजर अनुमंडल परिसर में धारा 144 लगाया गया है। वहीं मौके पर निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही मतगणना की प्रक्रिया होगी और मौके पर ही परिणाम की घोषणा की जाएगी। नवगछिया में अपराधियों ने युवक की हत्या कर खाई में फेंका। एसपी कार्यालय के 100 मीटर की दूरी पर खाई से सब बरामद। नवगछिया में बेखौफ अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने अज्ञात युवक के शव को नवगछिया एसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर खाई में फेंक दिया। बुधवार की देर शाम नवगछिया पुलिस ने युवक के शव को बरामद किया है। शव की बरामदगी वार्ड 22 के विनोद सिंह के बांसबिटा के पास खाई से हुई है। शव को देखने से लगता है कि युवक की हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई है, जिसके कारण सब पूरी तरह से फूल गया है। सब का चेहरा भी विभत्स हो गया है। खाई में सब होने के कारण जानवरों ने सब का एक पैर खा गया है। खाई में सब होने की बात तब सामने आई जब वहां खेल रहे बच्चों की गेंद खाई में चली गई। गेंद को निकालने जब बच्चे खाई में गए तो वहां सब को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। खाई में सब होने की बात सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर स्थानीय लोगों ने सब होने की सूचना नौगछिया पुलिस को दी। सूचना मिलने पर नौगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और खाई में पड़े सब को बाहर निकाला। पुलिस ने सब की शिनाख्त के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने सब की शिनाख्त नहीं की। सब की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस ने प्रक्रिया पूरी कर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। मृतक अज्ञात युवक की उम्र 35 वर्षीय है। युवक गुलाबी रंग का काला लकीर खींचा हुआ शर्ट एवं सिलेटी रंग का ऑफिशियल फुल पैंट पहने हुआ है। सब व उसके पहनावे को देखकर लगता है कि युवक किसी अच्छे परिवार से है। प्रतीत होता है कि युवक की हत्या पहले पिटाई एवं उसके बाद गला घोटकर कर दी गई है। सब पूरी तरह से विभत्स होने के कारण अपराधियों ने किस तरह हत्या को अंजाम दिया है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। नौगछिया थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक राज कपूर कुशवाहा ने कहा कि युवक की हत्या कर सबको फेंक दिया गया है। युवक की हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई है। वहीं सब के शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयासरत है। घटना के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। विक्रमशिला सेतु अप्रोच पथ पर सुबह से देर रात तक लगा रहा भयानक जाम। जाम का मुख्य कारण वाहनों का अत्यधिक परिचालन और पुल पर ट्रक का खराब होना बताया जा रहा। विक्रमशिला सेतु अब अप्रोच पथ पर जाम लगने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को भी सुबह से देर रात तक सेतु और अप्रोच पथ पूरी तरह से जाम की जद में रहा। बुधवार को जाम का कारण वाहनों का अत्यधिक परिचालन होना
ओवरटेकिंग और पुल पर एक वाहन का खराब होना बताया जा रहा है। हालांकि देर शाम खराब ट्रक को हटा लिया गया था, लेकिन जाम की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारियों का कहना है कि बिहार के सभी पुल बंद है, इस कारण से नवगछिया और विक्रमशिला सेतु होते हुए वाहनों का परिचालन काफी अधिक हो गया है। जाम लगने का मुख्य कारण यही है। बुधवार को नौगछिया से भागलपुर जाने में लोगों को 3 से 4 घंटे का समय लग रहा था। यात्री बस रेंगते हुए भागलपुर पहुंच रहे थे तो नौगछिया से खुलने वाले ऑटो जाह्नवी चौक पर यात्रियों को उतार दे रहे थे। इसके बाद यात्री पैदल चलकर पुल पार कर रहे थे। नौगछिया में जाम के कारण लगी आपाधापी में संपार के बीचों बीच फंस गया वाहन, टला बड़ा रेल हादसा। बुधवार को नौगछिया के पूर्वी केबिन एवं पश्चिम केबिन पर रह रहकर जाम लगता रहा। पूर्वी केबिन पर पूरे दिन जाम लगा रहा, वहीं पश्चिमी केबिन के पास भी जाम लगा रहा। जाम में दिन भर पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों एम्बुलेंस समेत स्कूली वाहन भी फंसे दिखे। पश्चिम केबिन भी बुधवार को जाम से काफी प्रभावित रहा। एक ट्रेन जाने के बाद वाहन गुजरे ही नहीं थे कि दूसरे ट्रेन आने की सूचना हो गई। ऐसे में संपार फाटक गिरा दिया गया। दोनों तरफ के संपार फाटकों के बीच में भी कई वाहन फंस गए। बाद में वाहन चालकों द्वारा हॉर्न देने पर रेल कर्मी द्वारा किसी तरह संपार फाटक को उठाया गया, तब जाकर वाहन को फाटकों के बीच से गुजारा गया। इधर स्टेशन रोड सब्जी पट्टी में भी दोपहर के बाद भयानक जाम की स्थिति देखी गई। नौगछिया के स्थानीय लोगों ने बताया कि नौगछिया बाजार में लगने वाले जाम को यहां के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। बाजार में जाम ना लगे इसके लिए कोई ना कोई ठोस निदान जरूर निकालना चाहिए। नौगछिया सभी बूथ पर जदयू के अध्यक्ष सचिव नियुक्त। जनता दल यूनाइटेड नौगछिया संगठन जिला की समीक्षा बैठक जदयू कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि नौगछिया संगठन प्रभारी चंद्रभूषण राय थे। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही गोपालपुर विधानसभा के सभी 260 और बीपुर विधानसभा के सभी 240 बूथ पर अध्यक्ष और सचिव का चयन किया जा चुका है। जिलाध्यक्ष ने समय के पूर्व लक्ष्य को हासिल करने पर प्रदेश, जिला और प्रखंड के सहयोगियों को बधाई दी है। मौके पर प्रदेश द्वारा मनोनीत सभी विधानसभा प्रभारी, जिला द्वारा मनोनीत सभी विधानसभा प्रभारी, मुख्यालय प्रभारी सह मीडिया संयोजक रवि कुमार, सभी प्रखंड अध्यक्ष व प्रखंड प्रभारी त्रिपुरारी कुमार भारती, सुबोध शाह, अखिलेश आनंद, मुन्ना जायसवाल, लाल मोहन, पवन झा, सूरज कुमार, रूपक पटेल व अन्य मौजूद थे। नवगछिया में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की नवगछिया शाखा का स्थापना। सीमा रुंगटा बनी अध्यक्ष, अनुराधा पंसारी सचिव। नवगछिया में सीमा रुंगटा के निवास पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की नौगछिया शाखा की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता बेगूसराय से आई प्रांतीय अंचल उपाध्यक्ष संगीता केडिया ने किया। शाखा में सर्वसम्मति से सीमा रुंगटा को अध्यक्ष, अनुराधा पंसारी को सचिव तथा लता गोपालका को कोषाध्यक्ष चुना गया। संगीता केडिया व बबली मस्करा ने तीनों पदाधिकारी को शपथ ग्रहण कराया। मौके पर मारवाड़ी सम्मेलन के नौगछिया शाखा के सचिव विनोद केजरीवाल, कांता केजरीवाल, वीना सराफ, सीमा चिरानिया, अनीता सराफ, दीप्ति रुंगटा, खुशबू रुंगटा सहित कई अन्य उपस्थित थे। गोपालपुर में बाइक दुर्घटना में सरपंच घायल। गोपालपुर में बाइक दुर्घटना में डुमरिया चपरघट पंचायत के सरपंच सुबोध यादव घायल हो गए। घायल सरपंच को गोपालपुर पुलिस ने इलाज हेतु PSC गोपालपुर भेज दिया। गोपालपुर प्रखंड में पैक्स में नामांकन के पहले दिन 2 लोगों ने नामजदगी के पर्चे किए दाखिल। गोपालपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु सुखटिया बाजार व बड़ी मकनपुर पैक्स से एक एक उम्मीदवार ने नामजदगी के पर्चे BDO से निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। सैदपुर, गोपालपुर डिमहा, अभिया पचगछिया, गोसाई गांव, डुमरिया चपरघट व तिंडेंगा करारी से नामांकन के पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। नवगछिया ढोलबज्जा निवासी इंटर साइंस के स्टेट टॉपर प्रिंस को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। नेहरू इंटर स्तरीय विद्यालय ढोलबज्जा के छात्र प्रिंस कुमार को पूरे बिहार में 5वां स्थान आने पर स्टेट टॉपर के रूप में मंगलवार को शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा व बिहार विद्यालय समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने ज्ञान भवन पटना में सम्मानित किया। मौके पर एक लैपटॉप व 15,000 रूपए की चेक देकर सम्मानित किया है। प्रिंस 12वीं में विज्ञान संकाय का छात्र था।
ही प्रिंस को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी मिला है। प्रिंस को सम्मान किए जाने पर युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल, छात्र जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल, समाज सेवी प्रशांत कुमार कन्हैया व अभिषेक भगत के साथ अन्य इलाके के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी है। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से दसवीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33, www.pis.education। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार जरूर बना रहे प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। कछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचन वेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। धनतेरस गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97096-11005, 8292-9431-26। नवगछिया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जिम, वर्ल्ड जिम, स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के समीप नवगछिया। समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने का एक उपक्रम, पूर्णतया वातानुकूलित, महिला एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, मोटापा, हाई लो BP, थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी को खुद से दूर भगाएं। व्यवस्थापक अमित कुमार, सचिव अभिषेक आनंद। हमारा पता है वर्ल्ड जिम नवगछिया स्टेट बैंक के सामने, एक्सिस बैंक के पास। संपर्क सूत्र 9031-696929, 9031-6969-29, 799-224-5510। बैग चॉइस, बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली नवगछिया। हमारे यहाँ उपलब्ध है ट्रॉली बैग, डफल, स्कूली बैग, सूटकेस, लेडीज पर्स, जेंट्स पर्स, छाता, रेनकोट सहित कई सामान। 20 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक का बैग है हमारे पास उपलब्ध। नवगछिया का एकमात्र दुकान जहां उपलब्ध है अमेरिकन टूरिस्टर का सामान। एक बार अवश्य पधारे बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने, उदार गली नवगछिया। संचालक डॉक्टर रजनीकांत देव। हमारा संपर्क सूत्र है 8294855586, 8294-85-5586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना। नवगछिया का गौरव त्रिशा खोआ मेकर। शुद्ध घी, खोआ, पनीर, मक्खन के लिए एक बार अवश्य पधारें। पता भवानीपुर नया टोला नवगछिया काली स्थान के समीप। संपर्क करें कुंदन कुमार जायसवाल 9571-43094-8779-23-1002। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक, बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह। हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437, 9934-26-1437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने, मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065।